बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, देखिए असल में आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कोर्स इतना लेंथी नहीं है, हमें रिवीजन का भी मौका मिलेगा। साथ साथ मैं बाज़ औक़ात प्रॉब्लम को फिर रिपीट भी करूँगा जब मुझे लगे कि ये चीज़ मुश्किल है, तो इसको आगे अगली वीक में फिर वही चीज़ हम दोबारा उसको एज ए प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमें पिछली क्लास में ये कहा था कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये था हमारा टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स निकाले थे और ये कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बताया था ना। हेलो, यस हमने ये कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, मतलब डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म में लगाते हैं, डी वाई के साथ वाई वाले टर्म में लगाते हैं और फिर उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव किससे ख़त्म होता है, इंटीग्रेशन से, इसी तरह था ना। यस तो फिर वो जब इंटीग्रेशन हमने लगाया था, वो हमारे पास सॉल्यूशन आया था, वो हमारे पास आया था फंक्शन। तो मैं इस चीज़ की तरफ अभी रिवर्स जा रहा हूँ कि आप किस चीज़ को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। क्राइटेरिया फॉर द सॉल्यूशन, क्राइटेरिया, एक सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, ये मेरे इस लेक्चर में ये क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन कब होता है, जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन आया, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश इज इक्वल टू थ्री वाई। यार दा कसान लेट राजी नोस पर बयायो रिवर्स पजू बिया बराजू लेक्चर था। चलो वो तो चला गया, बिलाल हाँ इधर देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं एक सॉल्यूशन को, फॉर एग्जांपल शो दैट वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आपके पास आता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। कामरान अंदर से होगा ना, अच्छा आंसर तो होंगे सॉल्यूशन वे, ठीक था। यस सर जदा वाई माँ चे आया द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे ओ कन दे दा खुम यू मसला लगा चे माँ द सॉल्यूशन ठीक रहो वेस तो का गलत मेरा वेस तो दिल तमा दली के लिए सॉल्यूशन, यस दिल तमा दली के लिए सॉल्यूशन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन शरायत या शर्त, जवाज, ठीक था। आया द सॉल्यूशन, द दे सॉल्यूशन दे कन दे, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उस इक्वेशन को, उस सॉल्यूशन को आप सॉल्यूशन कब कहेंगे। ये सॉल्यूशन उठा ले, ये सॉल्यूशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर ले। अगर इसने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो फिर ये इसका सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू जीरो या एक्स इज इक्वल टू वन, द इक्वेशन पास सेटिस्फाइड की चिकल एक्स लमूंगा वन वर्क वन इज इक्वल टू वन बराशी करना चिकल जगोर एक्स था वन वर्क हम करना एक्स इज इक्वल टू वन वन इज इक्वल टू वन दिस इज यस सर द वन द इक्वेशन सेटिस्फाइड को करना द वन द इक्वेशन सेटिस्फाइड यस को, सर तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन क्राइटेरिया। हर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब वो सॉल्यूशन उठा ले और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर ले और वो उसको सेटिस्फाइड कर ले। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, वाई डबल डैश का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव और वाई डैश का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव ऑर्डर मैंने पहले क्लास में बताया था, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार डेरिवेट करना, फिर दोबारा डेरिवेट करना, फिर तीसरी बार डेरिवेट करना। और ये सवाल मैंने पूछा भी था कि ये बार बार डेरिवेटिव हमने कहाँ पे लिया था, कहाँ पे लिया था, किस टॉपिक में ये बार बार डेरिवेटिव लिया था, ये सवाल मैंने पिछली क्लास में पूछा था। हमने क्वेश्चन को बार बार किस टॉपिक में डेरिवेट किया था फर्स्ट सेमेस्टर में,
सर मैकलेरिन सीरीज हाँ मैक्लेयर या टेलर सीरीज में, गुड, मैक्लेयर सीरीज में या टेलर सीरीज में एक बार डेरिवेटिव लिया, फिर लिया, फिर तीसरी बार भी लिया था। तो अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, इस सॉल्यूशन का आप एक बार डेरिवेटिव ले लें तो उससे वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें वाई डैश की वैल्यू, और फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि ये गौर से देखें, मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, और y का रिजल्ट है e पावर माइनस x, तो e पावर माइनस x का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, और ऊपर माइनस x का दोबारा डेरिवेटिव ले ले तो वो आ जाएगा -1। अब ये जो y डैश आपके पास आया है, इसका दोबारा डेरिवेटिव देखिए, इसका दोबारा डेरिवेटिव, ये मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव वही आ गया, और ऊपर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस आ गया, और वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया, तो ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। कितनी बार डेरिवेटिव लिया, कितनी बार डेरिवेटिव? दो बार सर, दो बार डेरिवेटिव ले लिया। अब ये दो बार डेरिवेटिव के लिए मैंने लिखा है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वाई डैश एंड वाई डबल डैश, ये दो वैल्यूज उठा लें और इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश इज इक्वल टू थ्री वाई, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो साथ साथ y का भी रिजल्ट पुट करूंगा, y का रिजल्ट है e पावर माइनस एक्स, पर डिफरेंशियल इक्वेशन के 100 टर्म न प्राथी थी, ये तो लोग देखे 100 टर्म दी, यो y डबल डैश थे बल, हाँ यो y डबल डैश थे बल y1 सर, यो y माइनस टू y डैश, y डैश y, y1 देने y डैश, y डैश मतलब यो पेरा डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब दो पेरा डेरिवेटिव, और यो पकी y प्राथा दर 100 टर्म ने शू देखा ना, तीन सर, तीन मतलब y पजे मानदे बे e पावर माइनस x पुट को, द y डैश पजे मानदे बे माइनस e पावर माइनस x पुट को, और द y डबल डैश पजे मानदे बे e पावर माइनस x पुट को, गोरा इज अ पुटिंग कॉम दे गाड़े तरह से दी तो गोरा द द y डबल डैश पजे मानदे रहो, ठीक था दादा, छा पजे मानदे रहो दादा, छा पजे रहो y डैश, y डैश दे फ्रंट दिल दिल तक दिल तक प्लम दिल तक माइनस लगे दलो फाबल माइनस दे तो चूंकि वाई डैश की ओ माइनस थे दादे द वाई डैश आंसर के माइनस थे दा माइनस दिल तरा लो और दा माइनस ये रहता प्लस करो और राइट साइड था वाई प्रता था तो दा शो द वाई डैश दा शो द वाई वैल्यू उस दा गोरा टू ई और दे फ्रंट तो ये वन लगे दिल दे वन टू और वन थ्री ई पावर माइनस सिक्स और थ्री ई पावर माइनस सिक्स सेम शू कुन शू सो वी कैन से दैट द गिवन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन y इज इक्वल टू e पावर माइनस x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूँ फर्स्ट लेक्चर के दाखम सॉल्यूशन रईस थी ना दादा गई द वेरिफिकेशन तरीका था शे आया दा सॉल्यूशन दे कर ना दे दा बत पर आवाक ले वो पते डिफरेंशियल इक्वेशन के वापस पुट के वो पुटिंग पसंग कवे पाई के जो सुम ठरम जी दागे वेली वो पुट के द डबल डैश द आंसर ब दो पेरी डेरिवेट के डैश मतलब द आंसर ब यो पेरी डेरिवेट के और यो को वाई दा द आंसर पखपल जेर दा बदे के वापस पुट के छ दा इक्वेशन कला सेटिस्फाइड की लेफ्ट और राइट इक्वल राशि देन दिस विल बी द सॉल्यूशन न बेवसा सॉल्यूशन टिक वी हां दित वी क्राइटेरिया द सॉल्यूशन शर्त से सॉल्यूशन का शर्त ये है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा पुश वे और सेटिस्फाइड कोल सेटिस्फाइड कोल बसंग कवे डिफरेंशियल इक्वेशन तब वो गोरे छ पाई के 100 टर्म ने दी द अगर टर्म नो वैल्यू बरो बा से द आंसर ना और वापस पाई के पुट के लाइक फॉर एग्जांपल जबल क्वेश्चन कोमा द मा सर आंसर दे शो दैट दिस इज द आंसर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन द मा सर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दादे देखिए वाई डैश पता था वाई डैश का क्या मतलब है वाइडेश का क्या मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स गुरदा खबर नोट के सीधा दी वाइडेश मतलब दे द वाइडेश मतलब शो डी वाई बाई डी एक्स ये आपके पास y की वैल्यू है ये आपको कह रहा है इस सवाल में कि ये शो करे कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है तो आप क्या करें आप यहाँ से वाइडेश की वैल्यू निकाल लें इसका डेरिवेटिव ले लें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय पावर रूल टू एक्स आ जाएगा और यहाँ से x का डेरिवेटिव क्या आएगा x का डेरिवेटिव वन आ जाएगा वन तो c आ गया
इसका मतलब है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वैल्यू पुट करोगे, एक वाई डैश की वैल्यू पुट करोगे और दूसरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखिए मैं यहां से आपको बता रहा हूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो मेरा कर्सर यहां पे काम कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप दो टर्मों की वैल्यू पुट करोगे, वाई डैश की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, ना 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 वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू पवाई बांधे बोवर से पवाई बांधे लगा अबल क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन के मारा चाचा वैल्यू पुट कर, द वाई डबल डैश वैल्यू पुट कर, बिया मेरे चा पुट कर, द वाई डैश पुट कर, अबल मेरे चा पुट कर, द वाई वाई सर डेल्टा तो को देखे देखे वाई सो टर्म के प्रता था, यो वाई डैश था अबला वाई वाई देन वाई आंसर तारा दरकड़े द वाई आंसर से दे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स सी एक्स और द वाई डैश आंसर सर आ गए द वाई डैश आ गए वाई डैश सर आ गए 2x plus c 2x plus c गुड। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आ जाओ, ये आपके पास फुल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y इन इक्वेशन नंबर ए, द इक्वेशन नंबर ए तरह शकोर दा दे अगोर x पखपल जे शो और द y डैश पसे में से पुट कर द y डैश पसे बांध दे 2x plus c x स्क्वायर पखपल जे लागे दा दे गोर x स्क्वायर पखपल जे लागे और द वाई पजे में वैल्यू पुट कर द वाई पजे में से पुट कर द वाई पजे वाले एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ठीक है। अब लेफ्ट और राइट को कैलकुलेट करें, एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर और सी और एक्स मल्टीप्लाइड हो गया तो सी एक्स आ गया और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से आ गया टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखें लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल इक्वल आ गए ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन क्राइटेरिया। द सॉल्यूशन द पर शर्त सदे शर्त दादे से अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वापस सेटिस्फाइड कही द सेटिस्फाइड के दोनों मतलब जमा दादे से तब के कल द y वैल्यू द y डैश वैल्यू और द वाई डबल डैश वैल्यू द टूल वैल्यू पे पुट के नो राइट और लेफ्ट साइड बता सर बराबर रहा जी के बराबर रहा नगल द बे सॉल्यूशन न दे द ता या गलत रहा इस थे दे या दले शा गलत सॉल्यूशन दर कड़े दे पुश में। यस सर। अच्छा यस सर। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन, ये फिर मुझे कह रहा है कि शो दैट वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश और प्लस y उस पर दे डिफरेंशियल इक्वेशन की मान लो टर्म ने पकड़ दीजिए वैल्यू पके पुट कम हां शब कम कम वैल्यू पके पुट को y डबल डैश सर यस और द y गुड नो द y को मास्टर ऑलरेडी स्टक करना द y मास्टर आंसर से दे e पावर माइनस x प्लस sin x sin x sin x मारा सिर्फ डबल डैश पकड़ देना डबल डैश तक गोरा दादी मौली कर छ दिस इज इक्वल टू y द वाई टू टाइम डिरीवेट का टू टाइम्स डिरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसको एक बार डिरीवेट करोगे तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई डैश। तो ई पावर माइनस एक्स का डिरीवेटिव ई पावर माइनस एक्स का डिरीवेटिव अपनी जगह पे एक्सपोनेंशियल का डिरीवेटिव वही होता है और ऊपर वाला जो पावर है उसका अगेन डिरीवेटिव। तो ये मैंने इसका अगेन डिरीवेटिव ले लिया। और साइन का डिरीवेटिव, साइन का डिरीवेटिव क्या आता है? हाँ ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। इसका मतलब है कि मेरे पास वाई डैश की ये वैल्यू आ गई, इस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आ जाएगा तो माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ये मेरे पास वाई डैश की वैल्यू आ गई। अब इसी को फिर डेरिवेट करिए, देखिए मैंने इसको दोबारा डेरिवेट करना शुरू कर दिया ताकि डबल डैश आ जाए वाई डबल डैश। तो इस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, वो माइनस इस बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा और इस कास का जो डेरिवेटिव है इस कास का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स माइनस साइन ये अगले स्लाइड पर देखिए। हाँ ये देखिए इधर ये इधर मैंने स्लाइड पे लिखा है। हाँ ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आ जाएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो डबल डैश का ये रिजल्ट आ गया, डबल डैश का ये रिजल्ट आ गया। तो y डबल डैश की वैल्यू और y की वैल्यू उठाकर मैं पुट करूंगा
उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसको मैंने ए कहा है। ये देखिए मैंने इसको ए कहा, ये जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ना इसको मैंने ए कहा है। अब इसमें मैं y की वैल्यू पुट करूँगा e पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, और y डबल डैश की वैल्यू ये पुट करूँगा e पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया y डबल डैश की जगह पर वैल्यू ये, और मेरे ख्याल में ये y की वैल्यू है, और ये राइट साइड की वैल्यू है। राइट साइड दादा प्रतिदिकन। यस सर। अच्छा, प्लस साइन और माइनस साइन कैंसिल, और ई पावर माइनस एक्स और ई पावर माइनस एक्स से आ जाएगा टू ई पावर माइनस एक्स, और ये राइट साइड पर पड़ा है। तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। तो फिर आप एंड पर यही कहोगे, एंड पर यही कहोगे कि द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मुझे यहाँ पर मुझे एक सॉल्यूशन गिवन है, ये सॉल्यूशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऊपर वाला सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अच्छा, अब है छोटा सा, मैं इसमें एक और काम ढूंढ रहा हूँ, यही टॉपिक अगर रिपीट हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपके लिए ये मेन काम है। मैं अब बारी बारी एक बंदे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब्र करें, फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। शकील, हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ है दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बना रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? हाँ अलग आवाज़ दर्जी, हेलो, यस, फॉर्मेशन मतलब से दे, फॉर्मेशन से मतलब दे, फॉर्मेशन फरमानुल्लाह आ गया। फॉर्मेशन क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल जोड़ावल नदी तमुरात से इससे कार बके पके कार पके सके कार पके दादे चिदा फर्स्ट सेमेस्टर कार दे चिदा फंक्शन डेरिवेट का फॉर्मेशन मीन चिदा फंक्शन डेरिवेट का फाइंड द डेरिवेटिव सिंपल वही मतलब है। जैसे कि ये देखें, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स दा जस्ट डिरीवेट कूलली दा वापस मुंगा फर्स्ट सेमेस्टर तब या लड़ो चलो डिरीवेटिव मो दोबारा रिवाइज ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स दिन पर डिफरेंशियल इक्वेशन संग जोड़े खुदा वो डिरीवेट को करना सही था। फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसको डिरीवेट की जस्ट आपको मैं वही चीज रिवाइज करवा रहा हूँ, ये डिरीवेटिव आपके जहन में वापस आ जाए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ इस तरह का फंक्शन था, हम उसको डेरिवेट कर रहे थे। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन वापस नहीं है, ये ऊपर जो आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं ये मेरे पास नहीं है। यही इस सेकंड लेक्चर का, ये सेकंड सेमेस्टर में जो कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशन, द फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स पूछ रहेगा ना चे अल तम सको दल तको फर्स्ट सेमेस्टर के सर था फंक्शन बहुत ना चिदा बुंग डेरिवेट कहो दस है वो कहना Yes, sir. उस अगर अगर डेरिवेटिव था खुदा फंक्शन ते वापस रहो बस उन जगह मेरा क्वेश्चन वापस दे टॉपिक तब बोलो जितना उस पर खबर पूछ है सेकंड सेमेस्टर के मुंह सको सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर के हम जमुंग दा करो जो फंक्शन बा ओ दा मु डेरिवेट को लक फॉर एग्जांपल द वाई स्क्वायर डेरिवेटिव जा खलम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बाय पावर रूल 2y हां 2y यस सर और y का अगेन डेरिवेटिव dy बाय dx इसको हमने इम्प्लिसिट डेरिवेटिव कहा था वो जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में बताया था। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का अगेन डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और 4ax का डेरिवेटिव आ गया 4a। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें तो 2y को उधर डिवाइड करें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2a डिवाइड बाई वाई। उसका फॉर एग्जाम्पल
دینه ته دا ا ختمول غواړي دا ا زمو سره دا ا ویلو شته دلته نه دا ا ویلو روبا اصل ته دا ا ویلو سره شي ګوره د دې ایکویشن نه دا ا ویلو سره راځي y سکوير ډیوایډ بای 4x راځي کنه د دې ایکویشن نه یس سر بالکل یس سر یس سر دا دې ګوره دا ا د ا ویلو دا دا د ا ویلو دا دا د ا ویلو شو y سکوير ډیوایډ بای 4x زغه انسر ته واپس لړم دی انسر ته dy by dx is equal to 2a divided by y 2a divided by y the 2 by y شو او دا د چا ویلو شو دا د چا دا د a ویلو شو دګی چوس کله کټینګ وکي کنه یو y و y سره یو y د y سره کټ شو او یو 2 2 د 4 سره کټ شو مستا سره ډیفرنشل دا راوي دیس از دا ډیفرنشل ایکویشن رغوتو کنه یس سر اوس دا ډیفرنشل دا ډیفرنشل ایکویشن زو واپس سوال کوم اوس ابرزنی لیکچر ته لاړ چې دا وسنګ سوال کو زه دی خالی ځای کې ماته وایه دا وسنګ سوال کو دا وسنګ سوال کو دا ډیفرنشل ایکویشن را دا وسنګ سوال کو د دې مطلب زما دا دی چې دا ایکس ویو ہے ها یس دې مطلب زما دا دی چې دین دا فنکشن واپس روبا سا وای سکوير از ایکوال ټو 4ax نو زه تاسو اړوم راړوم په دې خبره باندې چې ټاپ ایک مقصد څه دی फर्स्ट सेमेस्टर के बताओ सर फंक्शन वो द डेरिवेटिव मोदे राइस्ट उस मंग सर डिफरेंशियल इक्वेशन था अगर फंक्शन ते वापस रूबा सु बाय इंटीग्रेशन जैसे बाय इंटीग्रेशन रूबा से करना गोरे द 2x द 2x द द dx दे फॉर वाला द y दे फॉर वाला द बशी 1 ओवर y द जे दे फॉर वाला इन 1 ओवर y द इज लिख पगो तो मैं लिखम गोरा 1 ओवर y और dy 1 ओवर y और dy और राइट साइड पर आपको कन्वर्ट कर ली dx को कन्वर्ट करें 1 ओवर 2x 1 over 2x और dx dx उधर चला जाए ये हमारा पिछले लेक्चर का काम था बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ ए ये देखिए ये मैंने ले लिया yes, ये मैंने ले लिया इंटीग्रेशन इसका भी ले लिया और इंटीग्रेशन मैंने इसका भी ले लिया लेना है इसका भी इंटीग्रेशन ले लूँगा तो 1 ओवर y का इंटीग्रेशन आ जाएगा लाग y ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप लाग ले लें y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 आता है तो इसका भी लाग आ गया और वहाँ पर भी लाग आ जाएगा 1 ओवर 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा लाग x लाग x लाग x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दलता मुंग सर c राजी का कांस्टेंट होदे सर के मुंग लागो लगो नु खैर दे नेचर लाग ऑफ c पदे मजे कोई हम सीधा लाग में सर वाले लगो लो دا سولوشن ما زکه فائنڈ کو کنه چې دلته تاسو ما مینده کوشنو کې سر دا ویلو د انسر نه دا ای ویلو وستا کوشن دا ده چې دی انسر نه دا ای ویلو وستا دا کوشن تاسو کولای شئ ولی دلته دا ګورم دا فنکشن ما ډیریویټ کو کنه دا فنکشن ما ډیریویټ کو ڈی وای بای ڈی ایکس از ایکوال ٹو 2 ای ڈیوائیڈ بای وای نو بیا ضرورت څه چې دا ای ویلو ما ختم کړه څه چلو چې دا ای ما ختم کړه ها هلو दे आंसर क्यों बोल रहे दे आंसर के दे आंसर क्यों बोल रहे दा सी देखा ना सी ठीक था हेलो यस 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 सर दी सी तो सही दे तो वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दस है वह यस सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन न को दिल तक ए प्री देखा ना कदी से कितना ए प्री दिल तक ए प्री दे न पदी कितना सर बिया दो कांस्टेंट पर आज यो बगा ए रा रवानी यो बसर दा सी रा रवानी शी نو پدې وجه مونږ یو کانسټنټ الته نه وړوکلو چې دا مونږ ته مسله جوړ دا مخکې چې بیا کله میتھمیټیکل ماډلنګ ته ځکه نه د دې ګرافس وغیرہ ته نو ته چې کله ګراف جوړې کړه نه ګراف یو مونږ ایکس ته ویلو ورکو یو به وای ته ویلو ورکو د دې سی ویلو خبره وزي خو هغه ایس سره بس کې د دې ای مسلې نو ځکه دا ای مونږ الته نه په اسانه وړوکلو چې مونږ سره په انټیګریشن کې یو کانسټنټ پاتې شي چې دویم رانی شي او کله دا لري پر خوده لوندا ای بدلته پرتا ووس دا به دې چې مخامخ دلته ودا ای پرتا ودا پوښه په خبره یس سر یس سر اچھا خو هېني هو دا دونه غټه ایشو نه دا چې دا ختم کیا ختم مکه خدا چې کله ته مخې ایڈوانس ماډلنګ ته ځې میتھمیټکس کې نو چې څومره تاسو سره کانسټنټ ډیر رواني دا به مسله کې په ګراف کې ځکه چې دا فنکشن مونږ ګراف جوړول په فرست سیمسټر کې نو مونږ ګراف ته پرسه چل کړو مونږ د ایکس او د وای ویلو لغسته وکنه او د ایکس ویلو په ایکس ایکسس ورګړي او د وای ویلو په وای ایکسس لیکلې و نو د سی ویلو به تر وباسي خو بیا وتاسه د ا مسله راځي بیا دو دو کانسټنټ پاتې کیږي ځکه د سولوشن نه دا ا مونږه الیمینیټ کړه او بهرحال ځکه دا سولوشن نور سمپلیفای کړم
उदीन वापस माँ सर आंसर बरा जी कम यो आंसर वाई स्क्वेर इज इक्वल टू फोर ए एक्स द आंसर बदे वापस रहा जी उदा आइए बहर हाल जरूरत नहीं सकता दोनों डिटेल सर लाड़ से हो मेन क्वेश्चन से दे मेन क्वेश्चन दा दे जो फर्स्ट सेमेस्टर की अमुक सर फंक्शन वो सब मुद्दे रहे स्थल डेरिवेटिव और उस पर सेकेंड सेमेस्टर के जमुन से कार दे फंक्शन बती वापस डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन था और फंक्शन बती वापस रहो बासु नो दागे द पारा मुंग सिंगा चल को मुंग अवल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को और सेपरेशन वाले वेरिएबल ने पास बिया पे से अप्लाई को इंटीग्रेशन यस सर और इंटीग्रेशन ने पास दागे फंक्शन वापस रहूजी पास डेरिवेटिव तो खत्म शो नो फंक्शन बती वापस रहूजी खादर तब बला खबर जोको कि दी सी सर मा द लॉग वैल्यू लिख लो दैट्स कलर टोटल टर्म सर लॉग राजी करना नो बिया दे कांस्टेंट सर लॉग लगा हुआ है अच्छा उसकी वजह ये है हाँ निशान कैसे हो ठीक ठाक हेलो सबर कर यार एक मिनट वालेकुम सलाम ठीक ठाक शुक्र कैसे आना हुआ सर सर मुलाकात बस मुझे 30 मिनट्स दे दे मैं क्लास खत्म करूँ फिर डिस्कस कर लें ठीक है आप काम कर लें निशान मिलते हैं फिर ठीक है हाँ तो ये यहाँ पे सी के साथ मैंने लॉग क्यों लिखा सी के साथ मैंने लॉग इसलिए लिखा कि जब हर टर्म के साथ लॉग हो तो हम इंटी लॉग लेकर ये लॉग भी इंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है ये लॉग भी इंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और ये लॉग भी इंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा अलग यहाँ पर खबर आप हो गए वो द सी इज द सी फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इज द वन वे मा कांस्टेंट तो मैं वो नहीं करना हाँ कामरान यस सर सी 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 कांस्टेंट देगा ना कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट मीनी कांस्टेंट वे दे तो मैं वो नहीं उसका दिल से लाग वर्क हम लाग वन का लाग वाला वर्क हम लाग वन वेल उससे था लाग वन से वेल उधा जीरो लाग वन वेल उससे था जीरो ब्या कांस्टेंट देना को दे सर कता लाग लगे और कने लगे खुदा कांस्टेंट दे दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खुदा लाग वदा मुसिर दे दे पारे लगो छि दे नोर टर्म ना दे नोर टर्म ना द लाग प आसान तरीके सर खत्म छि ठीक ता चिकला चिकला हर टर्म सर लाग लगी दिली नो ब्या दी सी सर हम लाग लगे दे माने फर्क ने प्रयोजी द वाज स्टिल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक तो सर लाग लगे और कने लगे खुदा कांस्टेंट दे जक मारत आ दी रीजन हुए कदेर तो वन वर्क है और लाग वन वर्क है दोनों सूरतों के दा कांस्टेंट दे लाग वन एम कांस्टेंट दे और वन एम कांस्टेंट दे खुदा लाग वो तमंग पदे मकसद द पर लगो चिकल अमंग द इक्वेशन उस साल को फिदा मुंग वापस आगा सिंपलेस पान तरह बोलू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स अगर हम इससे वापस यही चीज़ फाइंड करेंगे तो हमारे पास एंटी लाग आएगा और एंटी लाग लेने की वजह से मैंने इसके साथ लाग लगाया लेकिन आपको इसको वापस इस फॉर्म में लाने की ना ज़रूरत नहीं है कि आप इससे वही चीज़ वापस निकाल लें इससे वही चीज़ वापस आ जाता है मकसद क्या है इस सवाल में इस लेक्चर में दोबारा बता रहा हूँ मैंने इस लेक्चर में क्या किया सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होगा द सॉल्यूशन बस क्राइटेरिया भी सॉल्यूशन बद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन कल भी शाबाश राइट लेफ्ट इक्वल को डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 100 टर्म ने दी आगे टर्म ने बरोबर से y डैश पर उबा से y डबल डैश पर उबा से देखे वे फुट के कदे सेटिस्फाइड को नदा बेर द सॉल्यूशन दे और यो खबर मंग बोलो का फॉर्मेशन मो को द फॉर्मेशन मतलब से दे द फॉर्मेशन मतलब दा दे चकम फंक्शन ताले दर कड़े दे दागे ना डेरिवेटिव जोड़ का बट दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन बसंग जोड़े चकम फंक्शन दर कड़े दे दागे ना डिफरेंशियल इक्वेशन जोड़ का वो जमून मेन मकसद उस डिफरेंशियल इक्वेशन जोड़ो नहीं दिया जगह दा का फर्स्ट सेमेस्टर के कड़े दे कड़े मदे करना यस फर्स्ट सेमेस्टर के मुंगे डेरिवेटिव कवल करना यस सर बता खबर खुदा खबर खुशे वे खुदा मुंगे उस मेन कर से दे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कोल दागिन वापस आगा फंक्शन रेस्टल ली पदे सेमेस्टर के जमुंग मेन कर दा दे नो पते सेमेस्टर के मुंगे 100 मेथड कड़ियो पतेर क्लास के मुंगे सॉरी क्लास के प क्लास के मुंगे 100 मेथड कड़ियो पगे माने मु डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करयो सब टू मेथड्स किए थे एक हमने किया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और दूसरा होमोजीनियस गुड अलग वाला जमुंग दा मॉर्निंग स्टूडेंट आ नखे कम से कम टॉपिक था याद दे जमुंग दा खुदा पता नहीं मॉर्निंग वाला था परुन मुसकड़ी अबरोज मुसकड़ी
ډیر خکار وکړو چې دا کم از کم سیزن خورته یاد دي. वो उसमें क्या था सेपरेशन में ये था कि हमने वेरिएबल को सेपरेट किया था, डी एक्स के साथ एक्स लगाया था, डी वाई के साथ वाई लगाया था और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई किया था. होमोजीनियस में क्या किया था? होमोजीनियस में हाँ वाई बाई एक्स फॉर्म सर. यस 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 उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था. होमोजीनियस में हमने पहले वाई बाई एक्स फॉर्म बनाया था, फिर वाई बाई एक्स को हमने वी के बराबर किया था, वाई इज इक्वल टू वी एक्स लिया था और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने हमारे पास नया डिफरेंशियल इक्वेशन लाया था. नया डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था? ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स था और आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना था उसमें क्या था? उसमें था डी वी बाई डी एक्स, याद है? जिस उस डी वी बाई डी एक्स में ये फायदा हुआ था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना था उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हुआ था. अब फायदा था इधर हुआ करना. जी सर. अच्छा, उसका वही फायदा था. अगर आपको याद है उसे मैंने एक दो क्वेश्चन होम टास्क में दिया था, होमवर्क में दिया था. किसने किया है वो दो तीन क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे एंड पर, क्वेश्चन के लेक्चर के एंड पर मैंने एक दो क्वेश्चन दिए थे. किसी को याद है? अगर याद नहीं है तो अगले कमिंग क्लास में वो होमोजीनियस के जो दो तीन क्वेश्चन मैंने दिए थे होमवर्क में वो मुझे यहाँ स्क्रीन पर शो करने पड़ेंगे. आप सॉल्व करें और फिर आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर करोगे, सर ये मेरा वो सॉल्यूशन है. व्हाट्सएप पे सेंड ना करें, इधर क्लास ही के दौरान आप लोग मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है? यस यस. अच्छा, अभी वो दूसरा लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ.